2019 10 ICSE का क्वेश्चन है, सिक्स का ए इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर गिवन है यहाँ पे, देखिए PQR इक्वल टू एंगल PST इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PS इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, प्रूव दैट ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल PST, सेकेंड में हम लोग से पूछा है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, रेशियो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल SRQT, ये एक डायग्राम बना हुआ है हम लोग के पास, इस क्वेश्चन को हम लोग अब बनाते हैं, बोर्ड पे बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पूछा था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उसमें क्या है हम लोग के पास, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PST, दोनों को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ, क्वेश्चन में दिया था सिमिलर प्रूफ करना है, तो क्या किए कि डायग्राम में PQR इक्वल टू एंगल PST, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि इस 90 डिग्री, अरे क्या है 90 डिग्री है, एंगल P, एंगल P क्या है, यहाँ पर एंगल P, एंगल P क्या है, दो ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल में कॉमन है, तो क्या लिख दिया हम लोग, कॉमन, और ये ऊपर 90 है क्यों, क्योंकि ये भी 90 है डायग्राम में दिया हुआ है, 90 गिवन है, तो 90 हो गया गिवन, तो by AA सिमिलरिटी, क्या लिखेंगे, by AA सिमिलरिटी, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, PQR ये ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल PST, PST ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, किस प्रोसेस से, ए प्रोसेस से, यही हमको प्रूफ करना था, ये हम लोग क्या कर दिए, हम लोग इसको प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, सेकंड पार्ट, किसके लिए देखेंगे हम लोग, बोले तो सेकंड पार्ट में देखते हैं, ये हम लोग देख लिए, अब हम लोग इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, वी हैव, हम लोग जानते हैं कि दो अगर सिमिलर ट्रायंगल है, तो उसका एरिया का रेशियो, क्या होता है, उसके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, साइड का स्क्वायर करेंगे उसका रेशियो करेंगे तब इक्वल होगा, तो क्या है PQ, यहाँ PQ है ना, तो PQ लिखे तो नीचे क्या लिखेंगे, PS लिखेंगे, ठीक है ना, PS लिखेंगे, फिर आगे भी लिख सकते हैं QR और ST, QR के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, ST लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, PR के साथ क्या लिखेंगे, PT, PR के साथ क्या लिखेंगे, PT, स्क्वायर कर दिए हम लोग। अब हम लोगों को क्या है कि ये वाला पार्ट जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये गिवन हम लोग के पास 5, कितना गिवन हम लोग के पास, 5 गिवन है, और ये गिवन हम लोग के पास क्या, 2 गिवन है ना, 2 गिवन है, तो PR के जगह पर 5 PQ की जगह पे क्या लिखे हम लोग, 5 लिखे, और PS की जगह क्या लिखे हम लोग, 2 लिखे, लिखे कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर कितना लिख दिए, 25, 2 का स्क्वायर कितना लिख दिए हम लोग, 4 लिख दिए कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ हम -1 कर दें, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, -1 कर दिए, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 4 यहाँ चला जाएगा, तो ये PQR में से क्या है, PQR में से PQR में से अगर PST माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट बचेगा कि नहीं, पूरा पार्ट मतलब एरिया SRQT, तो SRQT बचा ना यहाँ पे, PST क्या है आप लोग बोलो, तो PST, ये PST बचा ना, PST बचा ना, इक्वल टू 25/21/4। अब इसको क्या करें, हम प्लॉट देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, प्लॉट दे, इसको ऊपर इसको नीचे लिख देते, लिख दिया ना, और उसके बाद फिर से 1 प्लस करेंगे, क्या करेंगे बोलो, तो 1 प्लस करेंगे, क्यों 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस इसलिए कर रहे हैं कि PST, ये PST है ना, PST में अगर हम ये वाला पार्ट प्लस करेंगे तो पूरा पार्ट हो जाएगा कि नहीं, इसलिए वही काम कर रहे हैं कि एरिया, यहाँ पर देखो एरिया ट्राइंगल, सर रुकिए ना, हम लोग जो है पहले -1 क्यों किए, अभी हम फिर से क्या कर रहे हैं यहाँ पे बोलो, तो प्लस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, एरिया SRQT +1 इक्वल टू 4/21 +1, हम लोग क्या किए, यहाँ अभी क्वेश्चन ये होगा कि पहले से -1 की फिर से +1 की, क्यों, हमको लाना था SRQT ना, लेकिन पहले तो हमको दिया ही हुआ नहीं था, तो माइनस करके पहले उसको ला लिए, फिर हमको पूरा चाहिए तो फिर से +1 करके हम पूरा ट्रायंगल ला लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आगे इम्प्लाइज कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, एरिया ट्रायंगल PST प्लस एरिया SRQT बाय क्या लिखेंगे, एरिया SRQT SRQT लिखेंगे हम लोग, SRQT लिख दिए इक्वल टू 4 + 21 भाई क्या लिख दिए बोले, तो 21 लिख दिए ना, ठीक है। उसके बाद देखो इसको मिटा देते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देखते हैं,
इंप्लाइज, इसको हम प्लस करेंगे पी एस टी और एस आर क्यू टी को, किसको पी एस टी और एस आर क्यू टी को, एस आर क्यू टी को प्लस करें तो क्या पी क्यू आर, पी एस टी में एस आर क्यू टी प्लस करेंगे पी क्यू आर आ जाएगी नहीं, तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एरिया एस आर क्यू टी है ना, यहाँ पर लिखेंगे एस आर क्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बाय 21 हम लोग से क्या पूछा था, किसका रेशियो पूछा था हम लोग से, किसका रेशियो पूछा था एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हाँ इसी को पूछा ना, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज टू रेशियो एरिया किसका बोला था एस आर क्यू टी, एस आर क्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2019 ICSE